मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम भी है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट से हरियाणा में जमीन खरीदी और उसे सीसी थाम्पी को बेच दी थी। जिस केस में प्रियंका गांधी का नाम आया है वो फरीदाबाद के जमीन खरीदने और बेचने का मामला है। दरअसल साल 2005 और 2006 के बीच फरीदाबाद के आमीपुर गांव में रॉबर्ट वाड्रा ने करीब 4018 एकड़ जमीन खरीदी जिसे 2010 में उसी प्रॉपर्टी डीलर पावा को बेच दी। बिल्कुल इसी तरह से प्रियंका गांधी ने 2006 में पावा से जमीन खरीदी थी और 2010 में पावा को बेच दी थी। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पावा और थम्पी बेहद करीबी हैं। उनके थम्पी को भी अमेपुर में जमीन खरीदवाई थी। बता दें कि सीसी थम्पी भगौड़े संजय भंडारी का करीबी है जिसे ईडी की विशेष अदालत ने 2020 में ही भगौड़ा घोषित कर दिया था। देखिए जो देखने को मिलता है कि ईडी लगातार, अभी मैंने प्रियंका गांधी जी का मुद्दा देखा नहीं है, आई एम नॉट अवेयर, तो आई नॉट कमेंट ऑन दैट मुद्दा स्पेसिफिकली, बट लगातार ऐसा देखने को मिलता है कि ईडी विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हमारे तीन नेताओं को जेल में रखा, दो अभी भी जेल में हैं और बिना, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कन्विक्शन नहीं हुई, फिर भी इतने टाइम से जेल में हैं, ऑलरेडी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का लॉ चल रहा है, ये बेहद खतरनाक है।